How I met your mother is literally one of the best thing that's ever happened to me. मतलब मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसे पहला कौन सा सिटकॉम देखा था जिसको मैंने इतना ज्यादा इमोशनली रिलेट किया था। देखो मैं मानता हूँ कि इंडिया में How I Met Your Mother का कल्चर इतना ज्यादा है नहीं जितना कि फ्रेंड्स और बिग बैंग थ्योरी का है। पर अगर इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा फैल गई तो सही में इसका एक कल्ट क्रिएट हो सकता है एंड मैं उस कल्ट का पार्ट जरूर होना चाहूंगा। देखो बाकियों का पता नहीं यार, पर मैंने इस शो से जितना ज्यादा सीखा है और जितना ज्यादा इसको हिलेरियस वे में एंजॉय किया है उसको देख के तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और इसी रीजन से यार मैंने सोचा कि अगर मेरे को इसका रिव्यू भी करना है तो यार एक वीडियो में कैसे काम चलेगा, तो चलो यार इसके कम से कम दो वीडियो तो बनाते ही हैं। तो आज के वीडियो में हम से बात करने वाले हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में और इसके अगले वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू जरूर दूंगा पूरे शो के बारे में, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो इस शो की जान ही इसके कैरेक्टर्स हैं और देखते हैं कितने ज्यादा लोग मेरे इस कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा वो एक्चुअली मैंने जो फील किया पर्सनली उनके बारे में वो सारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैरेक्टर मार्शल। मार्शल के कैरेक्टर को अगर हम फनीनेस में देखें तो वो सेकंड बेस्ट कैरेक्टर है। मार्शल की सबसे बढ़िया बात है कि वो टेड को एक बहुत ही ज्यादा फनी और हिलेरियस एडवाइस भी देता है, कभी कभी बहुत अच्छी भी दे देता है और वो बार्नी को चाटा मारता रहता है, उसकी सबसे बेस्ट चीज। देखो यार जेसन सिगल एज एन एक्टर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा फनी भी है और बहुत ज्यादा रिलेटेबल तो है अपने कैरेक्टर को लेके। मैंने उसके कैरेक्टर को सारे के सारे सीजन में बहुत एंजॉय किया है। वो एक बहुत ज्यादा वल्नरेबल कैरेक्टर भी था, बहुत ज्यादा इमोशनल भी था, बहुत ज्यादा ऐसे दबंग कैरेक्टर भी था और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के एक बंदा बनाया गया है जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा डायनेमिक लगता है। देखो ये कैरेक्टर हिलेरियस तो है और बहुत ज्यादा अच्छी वाइब भी देता है, पर अगर मैं इस कैरेक्टर के अच्छे इंसिडेंट्स की बात करूं सारे सीजन्स में मिला के, तो जब वो बार्नी सिंसन को चाटा मारता है वो सबसे बढ़िया सीक्वेंस लगा मुझे इस कैरेक्टर का। और जो इसकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया गया जो कि इसकी एक बैक स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी थी। टॉकिंग अबाउट द सेकंड कैरेक्टर लिली ऑल्ड्रिन। ये कैरेक्टर ना हार्ट एंड सोल है पूरे ग्रुप की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फनी भी है, बहुत ज्यादा डेस्परेट भी है, इमोशनल तो बहुत ही ज्यादा है और वो सारे कैरेक्टर्स को ना कनेक्ट करके रखती है। मतलब एक कैरेक्टर की वजह से सारे के कैरेक्टर्स के इमोशंस हमें काफी ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। मतलब ये इतना ज्यादा एक्सपोज कैरेक्टर है कि इसकी जितनी भी वल्नरेबिलिटी है, जितना भी ज्यादा इसकी एक्साइटमेंट है वो तुम्हें पर्सनली फील होगी, ऐसा लगेगा कि यार तुम्हारे साथ ही ये चीजें हो रही है। एक और चीज इसमें अच्छी थी कि सीरीज में ये कैरेक्टर ना प्रेग्नेंट भी होती है और जब इसका बच्चा होता है तो उसके साथ भी इसके जितने भी डायलॉग्स थे वो भी काफी ज्यादा अच्छे थे, काफी ही ज्यादा अच्छे थे। मतलब वो एक छोटे बेबी के साथ ना कॉन्वर्सेशन कर रही है फिर भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। और जो लिली का एक रिलेशनशिप है मार्शल के साथ जो कि ऑन स्क्रीन कपल सबसे बेस्ट था, वो इस सीरीज की भी सबसे बेस्ट हाईलाइट है और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। एंड जितने भी बार मैंने लिली को ऑन स्क्रीन देखा, इनफैक्ट जो लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड था उसमें भी उसके साथ काफी अच्छा जस्टिस हुआ था, क्योंकि जितनी भी इनसिक्योरिटीज थी उसकी, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे वो सारी की सारी चीजें ना क्लियर हो जाती है लास्ट के एपिसोड में और उसका जो कैरेक्टर है वो भी काफी ज्यादा आउटशाइन हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज बार्नी स्टिंसन। आई लिटरली लव दिस कैरेक्टर। मुझे इस सीरीज में 50% सिर्फ और सिर्फ बार्नी की वजह से मजा आया। मतलब इतना ज्यादा धांसू रोल मैंने कोई भी सिटकॉम में पहले नहीं देखा है और हो सकता है आगे भी देखने को ना मिले। इसमें बार्नी का कैरेक्टर बेसिकली एक वुमनाइजर रहता है, फिर भी वो इतना ज्यादा डेस्परेशन के साथ और इतने ज्यादा डेस्पिकेबल हमें मोमेंट्स देखने को मिलते हैं उसके, उसको देख के तो मैं तो फैन हो गया भाई। इवन दो ही इज माय फेवरेट, फिर भी मुझे उसके कैरेक्टर से हल्की सी लास्ट में ना डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। पर वो नील पैट्रिक हैरिस की वजह से नहीं, वो उस शो के राइटर्स की वजह से, क्योंकि उसका कैरेक्टर स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा वुमनाइजर रहता है, फिर वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है और एंड में आते आते वो सुधर जाता है और एंड में एकदम से वापस उसको वुमनाइजर बना देते हैं। वो मेरे को थोड़ी सी लेजी राइटिंग लगी, पर जितने भी एक्टिंग की बात करें नील पैट्रिक हैरिस ने इसमें 4 चांद लगा दिए और अपने रोल की वजह से ना उसमें भी काफी ज्यादा डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। जैसे वो एक बहुत ज्यादा केयर फ्री कैरेक्टर तो रखता ही था, पर साथ में उसको अपनी फ्रेंड्स के लिए ना प्रायोरिटीज भी बहुत ज्यादा थी। जैसे कि जब मार्शल को जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो अपनी ही कंपनी में 2 बार उसकी जॉब लगवाता है, और तो और जब रॉबिन का ना वर्क वीजा खत्म हो जाता है फिर भी वो उसकी हेल्प करता है और उस वजह से रॉबिन भी वहां रह पाती है। देखा जाए तो उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो सारे के सारे सीजन में वो बस सूट पहनता था और वो एक्चुअली बोलता कम था और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा बोलता था। मतलब वो काइंड ऑफ एक वन मैन थिएटर था। बहुत ही बढ़िया वन लाइनर्स थे उसके और कैच फ्रेजेस थे उसके, काफी ज्यादा सेक्सी थे। और जितनी भी एडवाइस वो टेड मोस्बी के कैरेक्टर और अपने बाकी फ्रेंड्स को देता है वो भी काफी ज्यादा फनी थी। और सबसे बड़ा पॉइंट है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव मैंने तो
कोई भी कैरेक्टर के नहीं देखे इस शो में। उसके फेस के एक्सप्रेशन को मिला के तुम हजारों मीम्स तो ऐसे ही बना सकते हो। यार बार्नी का कैरेक्टर ही ऐसा था कि उस पर एक प्रॉपर सा अलग से वीडियो बन सकता है, और अब मैंने बोल दिया तो मैं बना के जरूर रहूंगा एक ना एक दिन। तो अब बात करते हैं शो के चौथे कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है रॉबिन शर्बाट्स्की। वो एक्चुअली एक टीवी रिपोर्टर रहती है। शी इज फनी, शी इज क्यूट, बट शी हैज अ मिक्स ऑफ इमोशंस, और उसके टैंट्रम्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बहुत लोगों को ये भी लगता था कि जो रॉबिन का कैरेक्टर है वो एक्चुअली ना रेचल का कैरेक्टर है, जो कि हमने फ्रेंड्स में देखा था। पर क्या ये बात सच है? मतलब मुझे पर्सनली तो नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि वो कैरेक्टर उससे इंस्पायर्ड जरूर है, पर उसका एकदम कॉपी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि राइटर्स ने रॉबिन के कैरेक्टर का एक अच्छा खासा कैरेक्टर आर्क जरूर बनाया था स्टार्टिंग में, पर वो एंड में आते आते थोड़ा सा ना डिफ्यूज हो गया, जो कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत कन्विंसिंग जरूर लगा था। पर वो एक सिटकॉम शो है, तो उसको मैं एक फनी मैनर में देख के भुला दिया है, तो मुझे इतना ज्यादा पर्सनली वो पसंद नहीं आया कैरेक्टर। पर वो शो के रेडियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी ज्यादा मैच कर रहा था बाकी कैरेक्टर्स से। मतलब मुझे नहीं लगता इस कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा कुछ मैं बता सकता हूं जो कि ज्यादा अलग हो। पर ठीक है, जितना भी था मैंने उस शो के स्टोरी लाइन के हिसाब से उसको एंजॉय किया। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट बट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस शो, टेड मोस्बी। देखो टेड मोस्बी को तो मैं आराम से समझा सकता हूँ। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको दुनिया का हर बंदा रिलेट कर पाएगा। वो ज्यादा फनी नहीं है, पर वही एक रीजन है जिस वजह से मैंने इस शो को सबसे ज्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ना ट्रूली हमें ना इमोशनल फील करवाता है अपने नरेशन के थ्रू। वो अपने नरेशन के थ्रू सारे कैरेक्टर्स को इंटैक्ट भी रख पाता है, और वो अपनी एक स्टोरी को भी काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। बंदे ने पूरे 9 के 9 सीजन्स लगा दिए अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। अब तुम सोच सकते हो इतना सा कॉन्सेप्ट है कि यार बंदी को ढूंढना है, उसको उन्होंने 9 सीजन्स में खींचा है, तो 9 सीजन्स में उनको बहुत ज्यादा मसाला भी चाहिए। वो भी उसके नरेशन के थ्रू काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, जिस वजह से मैंने शो को एंजॉय तो बहुत किया है। इनफैक्ट बहुत लोग कह रहे थे मैं इसमें बोर हो जाऊंगा, और घंटा में बोर नहीं हुआ। उसकी जो केमिस्ट्री थी मार्शल के साथ, लिली के साथ, रॉबिन के साथ, और जो बार्नी के साथ थी, वो सबके साथ अपने वे में इंटरेक्ट कर रहा था, और अपने स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग अच्छा भी लग रहा था। एनीवे सीरीज में उसके मार्शल के साथ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स हैं। उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में भी बहुत बताया गया है। बहुत सारे फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं हमें उस कैरेक्टर के बारे में, और इनफैक्ट सारे कैरेक्टर्स के बारे में। और उनका मेकअप और उनको जो बात करने का तरीका होता है फ्यूचर और पास्ट में, वो भी काफी ज्यादा चेंज लगता था, जिस वजह से सीरीज के डायनेमिक्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। एंड टेड मोस्बी के इमोशन और उसकी इनसिक्योरिटीज की वजह से शो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। एनीवे मेन कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा देर बात कर सकता हूँ, पर मैंने सोचा यार अब अगले वीडियो में इसके रिव्यू के लिए तो कुछ छोड़ दूं। तो यार वीडियो में अगर मजा आया हो तो ऐसे वीडियोस में और भी लाता ही रहता हूँ, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते? और अगर ये बातें बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगती है तो यार लाइक भी दबाई दो। और हाउ आई मेट योर मदर का ना एक प्रॉपर वीडियो भी आने वाला है, जिसमें पूरा मैं डिटेल रिव्यू करूंगा, उसको भी जरूर देखना। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। पीस।